नमस्कार दोस्तों, मेट्रो हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है और साथ ही साथ मेरे पर्सनल डॉक्टर आर के चौधरी कैंसर स्पेशलिस्ट पेज पे भी आपका स्वागत है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल से पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन कैंसर में है। मैं कैंसर का जो मेडिकल पार्ट है वो देखता हूँ, बेसिकली जो कैंसर का कीमोथेरेपी पार्ट है वो मैं देखता हूँ। आपने सुना होगा पिछले 10 या 15 साल में कैंसर के बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है और बहुत आगे बढ़ा है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैंसर के केसेस पिछले 15-20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़े हों। जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से कैंसर की रिसर्च भी बढ़ती जा रही है। जहाँ हम पिछले 10 साल पहले कीमोथेरेपी की बात करते हैं, पिछले 2-3 साल में हम टारगेट थेरेपी, बायोलॉजिक थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करने लग गए, जो लेस टॉक्सिक होती है और ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट टारगेट थेरेपी में है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे की पूरी बात को पिछले मैं अगर डिवाइड कर दूँ टॉपिक्स में, तो हम बात करेंगे क्या ब्रेस्ट कैंसर को से बचा जा सकता है, ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या उन कारणों को कम करके हम ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंसेस या टोटल केसेस को कम कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस किया जाता है। अर्ली डायग्नोसिस का जरूरत क्यों है मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम बाहर वेस्टर्न देश जैसे यूनाइटेड स्टेट और हिंदुस्तान की कंपेरिजन करें ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में, तो जहाँ अमेरिका में 100 में से 80% जो हमारे पास 100 केसेस आते हैं उसमें से 80% लगभग स्टेज 3rd या 4th में आते हैं, और इसीलिए अमेरिका में ट्रीटमेंट और हिंदुस्तान के ट्रीटमेंट जब सेम ट्रीटमेंट होती है तो रिजल्ट डिफरेंट है। क्यों इसलिए डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे अर्ली स्टेज के कैंसर केसेस ज़्यादा और हमारे यहाँ पे एडवांस स्टेज के ज़्यादा थे। तो हमें ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोग अवेयर हो, एजुकेटेड हो और कैंसर के बारे में जाने, कैंसर के बारे में बात करेंगे तो कैंसर के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी। और इन सब का मकसद ये है कि कैंसर को जल्दी से जल्दी स्टेज में डायग्नोज किया जाए। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जितने स्पेशलाइजेशन या टेक्नोलॉजी अमेरिका या दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड में उतने ही एक्सपर्ट हमारे देश में भी है। हमारे देश के जो डॉक्टर है या कैंसर स्पेशलिस्ट वो उतने ही एक्सपर्ट है जितने के विदेश के डॉक्टर है, लेकिन फर्क इतना है कि हमारे जो पेशेंट है वो एडवांस स्टेज में आता है। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती है ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता जाता है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ती जाती है और रिजल्ट कम होते जाते हैं। इसलिए मेन पॉइंट पूरे टॉक का ये है कि अर्ली डायग्नोसिस। अब हम बात करें क्या कैंसर से बचा जा सकता है, यस आंसर इसका हाँ है, हम कैंसर से बच सकते हैं कुछ हद तक, अगर हम कैंसर के रिस्क फैक्टर हो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर को कम कर दें तो कैंसर के केसेस कम हो जाए। आज की डेट में 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा फीमेल्स जो हिंदुस्तान में कैंसर से ग्रसित होती है या पीड़ित होती है और उनमें बहुत सारे लोग कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। हमें सारे लोगों को मिल के ये करना कि ये 10 लाख का आंकड़ा है जो प्रोजेक्टेड 2025 तक 17 लाख का किया हुआ है, उस कैंसर के इंसिडेंसेस जो 10 लाख के उसको हम 7 लाख पे ले आए। ये तभी संभव है जब हमारी सारी हिंदुस्तान की जनता है और डॉक्टर्स है जो स्पेशलाइजेशन या सभी स्पेशलाइजेशन वाले वो अवेयर हो और लोगों को अवेयर करें। अब रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है एज, उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है कैंसर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ती रहती है। वहाँ इसका मतलब ये नहीं कि यंग फीमेल्स में कैंसर नहीं हो सकता, डेफिनेटली यंग में भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे 60 से क्रॉस करते हैं तो 60 के बाद में कैंसर की इंसिडेंस बढ़ जाती है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड होता है कि जितनी ब्रेस्ट फीडिंग कम होती जाती है उतना ही रिस्क बढ़ता जाता है। तो जो लोग अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा कराते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम होती है एज कम्पेयर टू वो लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग कम कराते हैं। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करानी चाहिए ताकि इसमें बच्चे का तो हेल्प होता ही होता है, साथ साथ में मदर का भी हेल्प होता है, रिस्क कम होता है। तीसरा रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी। जो लोग मोटे हैं जिनका वजन ज़्यादा है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो लोग पतले जिनका वजन कम है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मोटे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो ही जाएगा या पतले लोगों को नहीं होता, लेकिन हम कंपेयर करें तो उन ग्रुप से इस ग्रुप में जो मोटे लोग हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होती है। चौथा होता है जेनेटिक। ब्रेस्ट कैंसर में 10 से 15% ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी चलते हैं, मतलब फैमिलीज में रन करते हैं, अगर मदर को है तो डॉटर्स को या उनकी सिस्टर्स को होने के रिस्क होते हैं, ये 10 से 15% केसेस है। पांचवा रिस्क होता है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो कि पूरे टाइम सुबह से शाम बैठे रहते हो, काम वगैरह नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप काम करते हो घर में, अपने घर का काम करते हो या वॉक करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क कम होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से सिर्फ
ना ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में कम होते हैं, बल्कि बाकी के हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, जैसे हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, बाकी बीमारियां कम हो जाती हैं, जॉइंट की प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। तो दुनिया भर की जो हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी करने वालों को मिलता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्या ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो होता है लंप, ब्रेस्ट लंप, यानी कि हिंदी में बोले तो ब्रेस्ट में गांठ। ब्रेस्ट में गांठ होती है, और उसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ होती है वो पेनलेस होती है, जबकि ब्रेस्ट में अगर इन्फेक्शन की गांठ होती है वो पेनफुल होती है। इसका मतलब अगर कैंसर की गांठ होती है उसमें पेन नहीं होता, और यही पॉइंट ऐसा होता है जो फीमेल्स उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। उनके ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, उनको लगता है गांठ में दर्द तो है नहीं, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर दर्द होता तो तुरंत डॉक्टर के पास चली जाती है, और दर्द नहीं होता तो नहीं जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर कोई गांठ ब्रेस्ट में है और उसमें दर्द नहीं होता है तो उसमें कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है उसमें दर्द होता है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के कम चांसेस होती है। जो पेनलेस या दर्द नहीं होने वाली गांठ होती है वो ज़्यादा सीरियस होती है, तो उस बारे में जरूर डॉक्टर से, अपने जो डॉक्टर फैमिली डॉक्टर उससे कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर देख के ये बता देंगे कि वास्तव में इसमें कैंसर की और जांच करने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है जो निप्पल होता है वो निप्पल रिट्रैक्ट हो जाता है, ब्रेस्ट के अंदर चला जाता है। अगर ऐसा सिम्टम होता तो भी आपको सलाह लेनी है। तीसरा होता है स्किन जो होती है ब्रेस्ट के ऊपर की जो चमड़ी होती है उसमें रेडनेस आ जाती है, उसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, अगर ऐसा कोई सिम्टम होता है वो भी ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है, उसमें सलाह लेनी चाहिए। फोर्थ सिम्टम ये होता है कि जो बगल होती है, जैसे हमारी बगल होती है उसमें भी गांठें हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है ब्रेस्ट में गांठ न होकर सिर्फ बगल में गांठ हो जाती है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इस तरीके के कोई भी लक्षण होते तो डरने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं मानना है कि अगर ये सिम्टम हो गए तो कैंसर ही है, लेकिन कैंसर हो सकता है। इसलिए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर या अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह जरूर करें, और वो आपको कुछ बेसिक टेस्ट बताएंगे कि हाँ ये कैंसर है या नहीं है। उससे टेस्ट से एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कैंसर है तो उसका इलाज हो जाएगा, नहीं कैंसर है तो कम से कम आप दिमाग से फिर उतर जाएगा आपका। अगर इस तरीके के सिम्टम है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर किस तरीके से आपको जांच करते हैं। अगर इस तरीके के सिम्टम के पास कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि हमें ये निश्चित करना, ये डिसाइड करना होता है कि वास्तव में ये सिम्टम कैंसर का है या कैंसर का नहीं है। इसके लिए सबसे बेसिक टेस्ट होता है ब्रेस्ट का, हम एक्सरे कराते हैं जिसको ब्रेस्ट मेमोग्राफी बोलते हैं। मेमोग्राफी में ग्रेडिंग होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि कैंसर के कितने चांसेस, अगर कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर टू लेते हैं, और स्टेप टू में होता है उस गांठ में बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी का मतलब ये होता है उस गांठ से छोटा सा पीस निकाल दिया और उसको लेबोरेटरी में भेज दिया, उससे हमें ये पता चलता है वो गांठ किस चीज़ की बनती है। कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि नहीं नहीं, किसी भी गांठ का बायोप्सी करने से बीमारी तेजी से फैल जाती है, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, इससे बीमारी नहीं फैलती। ये मैं आपको दोबारा अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर कभी भी किसी की बायोप्सी बोलता है तो उसकी जरूर कराए, उससे बीमारी को फैलने का कोई चांस नहीं होता, तेजी से नहीं बढ़ती। बायोप्सी करने से उस बीमारी की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो स्पीड कम होती है ना स्पीड बढ़ती है। वो एक बेसिक टेस्ट है, और उस टेस्ट के बाद ही नेक्स्ट स्टेप लिया जा सकता है। अगर उस बायोप्सी में कैंसर आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें मॉलिकुलर स्टडीज होती है, ब्रेस्ट कैंसर में मार्कर करते ER और हड्डू की मार्कर करते, उससे हमें प्रोग्नोस्टिक मार्कर पता चलता है और प्रेडिक्टिव मार्कर भी पता चलता है। प्रेडिक्टिव का मतलब होता है उस मार्कर के बेसिस में हम कैंसर का ट्रीटमेंट भी डिसाइड कर देते हैं। साथ ही साथ कुछ और टेस्ट करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड या बोन स्कैन या होल बॉडी पेट सिटी, ये पता करने के लिए कि उस बीमारी की स्टेज क्या है। ब्रेस्ट कैंसर या जैसे कि सारे टाइप के कैंसर को हम ट्रीटमेंट करने से पहले स्टेज में डिवाइड करते हैं। नॉर्मली मेडिकली उन कैंसर को तीन चार स्टेज में डिसाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज में डिवाइड करने के पीछे मकसद ये होता है, दो फायदे होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि इस स्टेज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, भाई स्टेज 1 है तो हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, स्टेज 2 है तो ये ट्रीटमेंट होगा, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि स्टेज के हिसाब से आगे रिजल्ट क्या रहने वाले हैं, ताकि हम उसके फैमिली को या उसके पेशेंट को हम ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट के रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। भाई स्टेज 1 है तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहने वाले हैं, स्टेज 3 या 4 है तो शायद उतने अच्छे रिजल्ट नहीं भी रह सकते। तो फैमिली मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हाँ ट्रीटमेंट से हमें क्या अचीव होने वाला, क्या मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि बीमारी इतनी एडवांस स्टेज की हो जाती है, फैमिली को नहीं पता होता, फैमिली इतना सारा पैसा खर्च भी कर लेती है,
और पता चलता है कि रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिला और पैसा भी खर्च हो गया। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपका और डॉक्टर का इस बात पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है कि इस ट्रीटमेंट से हमें कितना रिजल्ट मिलने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है पेशेंट की अनअवेयरनेस की वजह से वो स्टेज वन का कैंसर भी होता है वो इलाज ही नहीं करा देता, उसको लगता है नहीं नहीं यार पैसा खर्च होगा अब तो कैंसर हो ही गया रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। ये कम जानकारी की वजह से ऐसा हो सकता है, जबकि वो पेशेंट की स्टेज उस स्थिति में होती है जहाँ पे पूरा क्योर हो सकता है और खर्चा भी कम हो जाता है। स्टेज शुरुआत में ट्रीटमेंट भी कम होता है, खर्चा भी कम होता है और रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती रहती है उसका खर्चा बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट लंबा होता है और रिजल्ट भी नहीं मिलते। इसलिए हमें जरूरत है कि स्टेज अर्ली स्टेज में बीमारियां डायग्नोज हो जाए। ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी कैंसर में तीन भागों में ट्रीटमेंट होता है। एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी जहाँ पे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी के बारे में बात की जाती है, और रेडिएशन जिसमें कॉमन लैंग्वेज में सिकाई बोलते हैं या हीट थेरेपी बोलते हैं, जो रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर्स करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है तो सबसे पहले हम सर्जरी करवाते हैं। सर्जरी के बाद में उस सर्जरी की रिपोर्ट के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कीमोथेरेपी की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। अगर जरूरत है तो हम कीमोथेरेपी कराते हैं और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे ये भी डिसाइड होता है कि रेडिएशन की जरूरत होती है या नहीं जरूरत है। अगर रेडिएशन की जरूरत है तो रेडियोथेरेपी कराते हैं। कई बार रहता है लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होता है जहाँ शुरुआत में सर्जरी करना शायद मुश्किल हो सकता है, तो हम पहले कीमोथेरेपी देते या टारगेट थेरेपी देते और ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज को डाउन साइज कर देते, उसको थोड़ा कम, गांठ को छोटा कर देते और उसके बाद में सर्जन से एडवाइस लेते और उसकी सर्जरी कराते। अगर उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करते कि आगे कितना थेरेपी करना है, क्या कीमोथेरेपी करना है या टारगेट थेरेपी की जरूरत है या फिर रेडिएशन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, वो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट पर डिसाइड करता है या अर्ली शुरुआती पेट स्कैन की रिपोर्ट पर भी डिसाइड करता है। सो बेसिकली तीन डॉक्टर का रोल होता है ट्रीटमेंट में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी का, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का, उसके अलावा जहां हम बात करें कि अर्ली डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन को मेडिकल टर्म में स्क्रीनिंग क्या कहा जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि उन लोगों में जांचें करना जहां पे पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं है या जहां पॉपुलेशन में कोई तकलीफ नहीं है उनमें पता करने के लिए कि कई बार बीमारी होती तो है लेकिन पेशेंट को तकलीफ नहीं होती और टेस्ट में आ जाती है, वो उतनी शुरुआत में डायग्नोज हो जाती है जिसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो रिकमेंडेड स्क्रीनिंग टेस्ट है वो मेमोग्राफी है। मेमोग्राफी का मतलब ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। मेमोग्राफी नॉर्मली 40 ईयर्स के बाद में रिकमेंड करते हैं कि जो फीमेल 40 ईयर हो गई है, जिसको अभी कोई कैंसर नहीं हुआ है, जिसको अभी कोई तकलीफ भी नहीं है, उन लोगों को हम ये बोलते हैं कि 40 ईयर्स के बाद में साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर कराए। मेमोग्राफी में आपको आधे घंटे का टेस्ट होता है, बड़ा सस्ता सा टेस्ट होता है, एक एक्सरे किया जाता है, उसकी रिपोर्ट देख के पता कर लेते हैं कि उसमें बायलैप्स की ग्रेडिंग क्या है, क्या उसमें और टेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। अगर मेमोग्राफी वर्सेस क्लिनिकल जहां पेशेंट को खुद को गांठ महसूस हो उसमें लगभग 2 से 3 साल का फर्क पड़ जाता है। जहां कैंसर 2 साल या 3 साल बाद में डायग्नोज होने वाला है, मेमोग्राफी 2 या 3 साल पहले डायग्नोज करते थे। उसका फायदा ये हो जाता है बहुत ही शुरुआत स्टेज में बीमारी डायग्नोज हो जाती है। अगर कैंसर होना ही है तो क्यों ना वो इतनी शुरुआत स्टेज में डायग्नोज हो जाए जहाँ पे रिजल्ट 100% हो। सो मेमोग्राफी के जो डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर को होते हैं करीब करीब उसके जो रिजल्ट होते हैं वो 100% क्योर रेट होते हैं और मिनिमल सा ट्रीटमेंट होता है जहाँ 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लेस साइज का ट्यूमर डायग्नोज हो जाए, आपने सर्जरी कर दी और सर्जरी में भी उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हो जाती है, आप सिर्फ गांठ निकाल देते हो और ब्रेस्ट आपका पूरा बच जाता है और रिजल्ट उतने ही अच्छे मिल जाते हैं। तो ये अर्ली डायग्नोसिस के एडवांटेज ही एडवांटेज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट छोटा होता है, सस्ता होता है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हमें पूरा जोर ये देना है कि ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस को कम कराए, रिस्क फैक्टर को कम करें, हम केसेस को कम कर दें जहां 10 लाख एक साल में डायग्नोज होता है। और मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर दूं कि हिंदुस्तान में फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है, जहां पहले ये सर्विक्स नंबर 1 होता है, आज के डेसिस में आज के टाइम में सिटीज जितने भी बड़े बड़े सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर हो गया है।
इस कैंसर को हमें कम करना है, हमें लोगों को अवेयर करना है, जो जो रिस्क फैक्टर बताए उस रिस्क फैक्टर से दूर रहे, ताकि हम कैंसर के केसेस को जो 10 लाख से जो WHO ने प्रोजेक्ट कर दिया है कि ये 10 लाख के केसेस 2025 तक 17 लाख होने वाले, हम सारे लोग मिलकर मेहनत करें ये 17 लाख की जगह 10 लाख से कम होकर 7 लाख पे आ जाए। और अगर हम उन कैंसरों को केसेस को कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी कैंसर अगेंस्ट जीत हो जाएगी। साथ ही साथ हमने ये भी करना है, जहां हिंदुस्तान में 80% लोग ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज 3 और 4 में डायग्नोज हो जाते हैं, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड जहां पे 80% स्टेज 1 और 2 डायग्नोज होते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की जनता को अवेयर कर दें तो ये कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, हम कम से कम 2025 तक 50% केसेस को 1 और 2 में डायग्नोज कर ले, जहां 80% का डेटा 3 और 4 में, तो वो भी 50% में है, 50% 1 और 2 में डायग्नोज करता है तो हमारा रिजल्ट भी अच्छी मिले। तो पहला काम है केसेस कम करना, दूसरा काम है अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना, और तीसरा केसेस है आप ट्रीटमेंट एक्सपर्ट लोगों से ही कराएं, आपके आसपास आप चेक कर लें कि ब्रेस्ट कैंसर के जो स्पेशलिस्ट है या कैंसर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो। कई बार हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो 1 या 2 साल पहले ऑपरेट हो गए थे, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट नहीं किया था, उन डॉक्टरों को यह भी नहीं पता होता कि भाई हाँ आगे ट्रीटमेंट क्या करना होता है, तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से तो ठीक है ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो जान के गलत कर रहे, अपनी नॉलेज के हिसाब से उनको लगता है ये ब्रेस्ट में गांठ हो गई, ऑपरेशन कर दिया, ट्रीटमेंट पूरा हो गया, सो अपने नॉलेज के हिसाब से वो ठीक करते हैं। लेकिन आपको ये भी तो है ना कि नॉलेज भी नहीं है तो आप कैसे बताओगे पेशेंट को और ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर किसी को कैंसर होता है तो आप किसी भी अपने आसपास के कैंसर स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह करें, ताकि ट्रीटमेंट राइट लाइन पे हो सके।